इज योर स्क्रीन विजिबल? ओके चलिए, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने अल्काइन कंप्लीट कर लिया था और ये सारे क्वेश्चंस दिया था मैंने, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने पास टॉपिक डाल लीजिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रो कार्बन। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जब बात करते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरोमेटिक कंपाउंड की जब बात करते हैं कि एरोमेटिक किसके लिए वैलिड होता है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, तो इसका तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन जो होगा आपके पास वो ये कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो होगा वो ये है कि कंपाउंड जो होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है आपका वो ये कि आपका हकल रूल फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? हकल रूल फॉलो करना चाहिए, 4n+4n+2π इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, 4n+2π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कोई कंपाउंड, जस्ट सपोज कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करिएगा तो ये भी sp2 और ये भी sp2, तो बेसिकली ये प्लेनर है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे ये वाली समझने वाली बात है, n जो होता है आपका, ठीक है, होल नंबर होता है। n क्या होता है? होल नंबर। और होल नंबर क्लास नर्सरी से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, 0 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, n = 0 रखता हूँ तो 2π इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n = 1 रखता हूँ तो 6π इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसमें भी 2π इलेक्ट्रॉन हो, 6π इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, मतलब बेसिकली बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये प्लेनर है, ठीक है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए जरा, इसमें बताइए अदिति, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? तो देखिए पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2π इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यानी ये भी देखिए पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है लेकिन साइक्लिक नहीं है, तो ये क्या होगा? आपका एरोमेटिक नहीं होगा,
इज दैट क्लियर? नॉट एरोमेटिक। वहीं पे अगर बात कर रहे हैं हम लोग एक बेंजीन की, पहले ये लिख लीजिए उसके बाद बताइए मुझे। और माइक सही हो तो बार बार मुझे बैक नहीं आना पड़ेगा देखने के लिए मैसेज। हो गया डन। ओके चलो, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लिया, इसका एग्जांपल ले लिया, ये एक साइक्लोहेक्सेन है फिलहाल, अभी ये बेंजीन बन गया। बेंजीन बना तो आपको दिख रहा है सबसे पहले कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हाँ पहला वाला सेटिस्फाई कर दिया, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। प्लैनर है तो प्लैनर है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। थर्ड में हकल रूल काउंट करेंगे, तो हकल रूल काउंट करने से पहले इसमें बेंजीन में बॉन्ड देखिए कितना बन रहा है, 3π बॉन्ड है। कितना है? 3π बॉन्ड है, तो 3π बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 3 × 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, 4n + 2π होता है। अगर n के जगह 0 रखता हूं मैं, n 0 रखूंगा तो 2π इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अगर n 1 रखूंगा तो आपको दिख रहा है कितना है, 6π इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। n 2 रखूंगा तो आपको दिख रहा होगा 10π इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, 6π इलेक्ट्रॉन एक हकल रूल में आ रहा है, दैट्स वाई बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड इससे लिख लीजिए और बताइए। हो जाए तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए या फिर बोल दीजिए, फिर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो इन सब का कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं। बेंजीन दे दिया, फिर आपके पास आ जाएगा टॉलीन हो गया, इसे टॉलीन कहते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, टॉलीन। नेफ्थलीन बना लेते हैं, ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये नेफ्थलीन होता है। इसको चेक करिएगा जरा, क्या ये नेफ्थलीन जो है एरोमेटिक है या नहीं। एक होता आपके पास बाइफेनाइल, यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे आपका ये बाइफेनाइल होता है। नॉमेनक्लेचर इसका कर चुके थे ना हम लोग, ये हो जाए तो बताइएगा।
स्लाइड चेंज करूं। चलिए अभी यहाँ टॉपिक डाल लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ये हो गया आपके पास CH3। इसका कॉमन नेम बताया था मैंने आपको, इसका IUPAC करिए जरा। IUPAC लिखते जाइए। पहले वाले का IUPAC क्या होगा? कुछ नहीं लिखा अब तक आपने। देखिए पहले कॉमन नेम लिख देता हूं मैं। ये जो कॉमन नेम होता है इसका, ये टॉलिन होता है। क्या होता है? ये टॉलिन होता है। इसका जो होता है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो ऑर्थो पैरा और मेटा पता है कि नहीं? यस और नो? ऑर्थो पैरा मेटा पता है या नहीं, ये बताइए। ऑर्थो पैरा मेटा, इनबॉक्स खोल के वेट कर रहा हूँ आपका, मैसेज नहीं आया। एम आई क्लियरली ऑडिबल टू यू? और तो पैरामेटा पता है, ठीक है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो में है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो जाइलीन होता है। ये मेटा पोजीशन पे है तो इसका क्या हो जाएगा? एम जाइलीन हो जाएगा। मैं पहले कॉमन नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में ये किस पोजिशन पे है? पैरा पोजिशन पे है तो पी जाइलीन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसका IUPAC देख लेंगे। तो IUPAC देखेंगे तो ये बिल्कुल सही लिखा आपने, मिथाइल बेंजीन लिखा आपने। दूसरे वाले का IUPAC बताइए, दूसरे वाले का, इसका IUPAC बताइए जरा। वन कॉमा टू डाइमिथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही। यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए 1, 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 डाइमिथाइल बेंजीन। तीसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? 1.3 डाइमिथाइल बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा आपका? 1.4 डाइमिथाइल बेंजीन। वेरी गुड, इसे लिख लीजिए और बताइए जरा।
वेरी गुड। इसमें बताइएगा जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, क्या वो एरोमेटिक है या नहीं? ये एंथ्रासीन होता है। चलिए बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं। एक और लिख देता हूँ। ये फेनेंथ्रेसीन होता है, थ्रीन होता है, फेनेंथ्रीन। इसमें कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है? यस सर, मतलब एरोमेटिक है। सबका चेक कर लीजिएगा। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड चेक करिए जरा। तो एक ही आ रही थी, एरोमेटिक है। काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 14, 7 पाई बॉन्ड है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये भी एरोमेटिक है, इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो तो हम करेंगे, चलिए रिक्रिएशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है साइक्लिक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप उस दिन एब्सेंट थे, फिर भी मैं दिखा के फिर अभी बताऊंगा कैसे होता है। ये रहा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। जब इथीन का 3 मोल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन तो बेंजीन बनता है। ठीक है, फिर वही चल रहा है। प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में पढ़े थे बेसिकली। तो यहाँ देखिए,
इथाइन लेंगे हम लोग ऐसे, किसी भी तरीके से ले सकती हैं, बस ये दिखाने रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर और ये इधर, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। At 873 गैलन, ये सीधे सीधे आपका दे देगा बेंजीन, टेढ़ा बेंजीन। ये पहला तरीका है बेंजीन बनाने का, ऐसे लिख लीजिए फिर बताइए मुझे। अब जो दूसरा तरीका होगा वो आता है अपना डीकार्बोक्साइलेशन of aromatic acids, decarboxylation of aromatic acids। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक नहीं लेके बेंजोइक एसिड जो ऑलरेडी एरोमेटिक हो, बेंजोइक एसिड बेसिकली बेंजोनॉइड कंपाउंड ले लेंगे जिसमें एसिड लगा हुआ होगा, ऑन हीटिंग विद सोडियम, not sodium, soda lime gives benzene. As for example, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, दीती एक मिनट, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने एक बेंजीन ले लिया, चूंकि बेंजीन बनाना है मुझे, ये बेंजीन ले लिया मैंने और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजोइक एसिड COONa सॉल्ट ले लिया, और इसमें सोडा लाइम का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और जब इसे हीट करेंगे तो ये NaNa मिलके Na2CO3 बना के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बस बेंजीन रह जाएगा, बन गया बेंजीन अपना, लिख लीजिए जैसे वेरी गुड। अब देखिए थर्ड प्रिपरेशन करेंगे, थर्ड जो तरीका है वो है रिडक्शन ऑफ फेनॉल, रिडक्शन ऑफ फेनॉल की जब बात करते हैं तो फेनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन, ये रिएक्शन क्लास 12 में भी पढ़ना है, बाय पासिंग इट्स वेपर, एक मिनट जरो
चलो देखिए, यहाँ पे इथेनॉल इज रिड्यूस टू बेंजीन बाय पासिंग, इट्स वेपर्स ओवर हीटेड जिंक डस्ट. बहुत आसान है ये रिएक्शन. सिंपल एथेनॉल को हम लोग ZN से रिएक्ट करा देते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये ZN जो है वो ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, तो ZNO बन जाएगा और बेंजीन यहाँ रह जाएगा. बेंजीन वहीं के वहीं रह जाएगा अदिति. ओके, तो आप देख सकती हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये बेंजीन. हो जाए तो बताइएगा. डन. अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की. यहाँ देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दे आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स अरोमा स्मेल, विद अ कैरेक्टरिस्टिक अरोमा. अरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल. ठीक है, काफी अच्छा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा. एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर इमिसिबल विद वाटर, इमिसिबल विद वाटर बट रेडिली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. They burn with sooty flame. दीदी डन.
वॉट इज सूटी फ्लेम, वो होते हैं जैसे जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जैसे एरोमेटिक भी क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, तो जो अनबर्न और पार्सियली बर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, येलो कलर हो जाता है, ठीक है, पॉल्यूटिंग होता है, अच्छे से वो नहीं हो पाता है, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, अच्छे से कम्बसन नहीं हो पाता है, तो उसे हम येलो कलर वाले को सूटी फ्लेम कहते हैं, ठीक है। सूटी फ्लेम येलो कलर नहीं, ब्लू कलर, सॉरी, ब्लू कलर का होता है, येलो वाला तो पूरा बर्न होता है। मैं सूटी लिख लिया आपने, जितना कम हाइड्रोजन होता है उतना ज्यादा सूटियर होता है। चलिए आगे बढ़े। एक बार कलर मैं बताता हूँ दोबारा आपको, येलो कलर ही होता है, येलो कलर, ब्लू और येलो में येलो होता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आएगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे बस हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। अब जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जिसमें अटैक करता है, जिसमें हमें सबसे पहला पढ़ना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नाइट्रेशन का मतलब यही हो गया कि नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ लिख लिख लेते हैं हम लोग कि अ नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बेंजीन रिंग, व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। सवाल ये भी पूछ लेगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए रिएक्शन है, ये हो गया आपके पास बेंजीन जो कि सीधा नहीं बन पाया, बेंजीन हो गया ये। अब बेंजीन में हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, टेम्परेचर 3333 केल्विन रखना है, सीधे सीधे एक NO2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसका नाम भी लिख लीजिए। अदिति आपके सेकंड टर्म में क्या क्या अपना रह गया है, हमने शायद थर्मोडायनेमिक्स तक किया है ना फर्स्ट बुक में, तो मुझे अभी लिस्ट भेज दीजिएगा।
लीजिए। रीति हो गया। यस इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए अपने पास क्या आता है, नाइट्रेशन के बाद अपने पास आ जाता है हैलोजिनेशन। नाम से ही लग रहा है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, हैलोजन को ऐड करना है, हैलोजिनेशन। हैलोजन को ऐड करना, लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है। जैसे आप बेंजीन, बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा बेंजीन आपके पास, अब इसमें हैलोजन ऐड करना है, तो Cl2, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, अनहाइड्राइड AlCl3 ऐड करेंगे, ठीक है। अनहाइड्राइड AlCl3 कर देंगे, सीधे सीधे एक क्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा किसी भी पोजीशन पे, कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्लोरीन, ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा अजीब सा लग, मेरा आपके पास क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन और HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। पीछे वाले का नाम क्या था दी थी, इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैलोजिनेशन। उसके बाद ये हो जाए तो बताइएगा। ठीक है आगे बढ़े अदिति। अब देखिए थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक एसिड को ऐड करना है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड को ऐड करना है किसमें, बेंजीन में। तो ये रहा आपके पास बेंजीन, सिंपल। ये बेंजीन है, बेंजीन में हम क्या करते हैं, ओलियम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, H2S2O7, जिसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। या फिर इसको अगर आपको दूसरे बुक्स में और भी जगह ऐसे लिखा रहता है, H2S2O7 को लिखने का तरीका, H2SO4 जिससे दिख जाता है आपको सल्फ्यूरिक एसिड, और ब्रैकेट में लिख देते हैं SO3। दोनों सेम है, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो H2S2O7 ही बनेगा, ओलियम। इसका फॉर्मूला क्या है, ओलियम। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसमें बेसिकली हीट करते हैं, ठीक है। तो SO3H दे देता है, क्या दे देता है, बेंजीन के ऊपर SO3H, यानी सल्फोनेशन हो गया, यानी सल्फोनिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप होता है ना एक सल्फोनिक एसिड, यहाँ आ जाएगा SO3H, SO3 और H, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा H2। क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा, सिंपल।
डन। अब देखिए इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। सबसे पहले फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, ये नेम रिएक्शन है, एक फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होता है और एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है। अल्काइल नाम में ही देख के आपको पता चल जाएगा अल्काइलेशन लिखा है। क्या लिखा है? अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है। अब ये ऐड करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहा बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन। अब बेंजीन में आपको अल्काइल ग्रुप ऐड करना है तो यहाँ अल्काइल हेलाइड से रिएक्ट कराना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3। अपने को मैकेनिज्म यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे बेंजीन बनाएंगे ऊपर CH3 अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी में ये वाला रिएक्शन आप करके दिखाइए जरा, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 प्रोडक्ट क्या होगा, नाम बताइए। हो गया अदिति डन। अदिति आपका हो गया? H6 नहीं H5 हो जाएगा, C6H6 जो लिखा है ना आपने, C6H6 ऐसे होगा, सारे वैलेंस से सैटिस्फाइड। यहाँ से बॉन्ड निकालने के लिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ता है, ये C6H5 हो जाएगा। तो बेसिकली नाम बताना चाहिए ना आपको,
इतना बड़ा फॉर्मूला, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे ये किस तरीके से होगा, ये ऐसे होगा और ये CH2CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन, राइट। आगे बढ़े तो ये था आपका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या था, अल्काइलेशन था। अब हम करेंगे फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ असाइल ग्रुप को हम ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, असाइल हैलाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, याद है आपको। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होता है असाइल हैलाइड। देखिए तो इसमें हमें क्या होता है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, पूरा का पूरा नहीं, बस ये वाला पार्ट ऐड करना है। जैसे अल्काइल हैलाइड में CH3X था तो हम ये ऐड कर रहे थे, वैसे ही बस ये ऐड करना है, X वाला ऐड नहीं करना है। तो देखिए ये होगा कैसे, अपने पास ये रहा आपके पास बेंजीन, बेंजीन है। अब इसमें हमें क्या करना, असाइल हैलाइड ऐड करना, CH3COCl, ठीक है। इसका नाम होता है कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, और इसको हीट करते हैं हम लोग। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है ना, सीधे सीधे ये बेंजीन से CO कनेक्ट हो जाएगा, और CO के बाद क्या है, CH3 है। CO के बाद क्या आपका CH3 है, तो यहाँ पे CO और CH3 लगा देंगे, बाहर क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। इसके बाद एक और है, एक और रिएक्शन होता है सेम, जैसे बेंजीन है अपने पास। अब इस बेंजीन में हमने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड में क्या होता है, CH3 CO का होल ट्वाइस O पे, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O और फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसको रिएक्शन कराना है बेसिकली आपको एनहाइड्राइड AlCl3 से, और इन और हीट करना है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है ना, सिंपल यहाँ पे चूंकि दो दो कार्बन, यहाँ टोटल चार कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ तो COCH3 ही देगा, जैसे कि वहां दिया था एसीटोफेनॉन। इसका जो नाम होता है ये क्या होता है, एसीटोफेनॉन, ठीक है। और इसमें चूंकि चार कार्बन हो जाएंगे, ट्वाइस करेंगे तो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है।
शेप दे देता है। तो इसे लिख लेते हैं। अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं। जैसे बेंजीन में हम लोग क्या करते थे, ये रहा आपके पास बेंजीन, और बेंजीन में अगर मैंने 6Cl2 ऐड कर दिया, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, यहाँ देख लेंगे, अनहाइड्राइड AlCl3 डार्क गोल्ड, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होंगे, तो क्लोरीन हर हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। टोटल क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 6 × 2 = 12, तो 6 तो इधर आ गया, और 6 हाइड्रोजन निकलेगा, वो 6 क्लोरीन के साथ HCl बना देगा, ये बन जाएगा। अब इसका नाम बता दीजिए मुझे। हो गया, ओके तो ये सारे रिएक्शंस है हाइड्रोकार्बन में जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए टॉपिक डालिएगा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन किसका कराना है, बेंजीन का ही कराना है। तो देखिए बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बेंजीन ले लिया मैंने, बेंजीन में मैंने हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश की, 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और इसे हीट करूंगा मैं, तो सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, जैसे एडिशन रिएक्शन हैलोजिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, और हर जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा एडिशन रिएक्शन, बेंजीन से सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये सही से समझ में आए पूछ लीजिएगा दोबारा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, और भी रिएक्शन होते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, ये है बेंजीन, आपके पास यहाँ 3Cl2 ऐड कर देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल 6 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक एक डबल बॉन्ड टूटेगा और सब पे क्लोरीन लग जाएगा, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो खुद आप सोच सकती है इसमें एक हाइड्रोजन है ही, एक क्लोरीन लग गया और दो बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल 4 बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका नाम नहीं बताया आपने, इसका नाम बहुत फेमस है, इसको BHC ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको यही बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड।
बेंजीन से बना हुआ है तो उसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही बना। दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका नाम नहीं बताया आपने, इसका नाम क्या है? दिस वन, इसका नाम सीधे सीधे हेक्सा क्लोरोबेंजीन लिख देते हैं, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। इसमें नाम नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हेक्सा आ रहा है, यानी हर एक कार्बन पे छह होते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। बेंजीन और हेक्सा क्लोरो तो हर एक के पास, ठीक है, हेक्साक्लोरोबेंजीन लिख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े,